हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 4 सितंबर 2024 को जो पैसा मिलने वाला था बहुत लोगों का, 3 लाख से प्लस लोगों का भी बाकी है जो 4 सितंबर को मिलने वाला है, क्या वो 4 सितंबर को अब नहीं मिलेगा? मामला इतना बढ़ते जा रहा है कि क्या वो बंद हो जाएगा? इसके बारे में आज बहुत सारी बातें होगी, क्योंकि ये बहुत ही मामला गंभीर रूप लेते जा रहा है। क्या लगता है कि ये पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है? इसके बारे में जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है। इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, क्या लगता है कि यह बंद हो जाएगा? क्या 4 सितंबर को जो आने वाला पैसा था सभी लोगों का, जितना लोगों का भी बाकी है, और जिसका नया इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को आने वाला है, क्या वो अब नहीं आएगा? ये मामला और गंभीर होते जा रहा है। बिल्कुल ताज़ा न्यूज है, एकदम ब्रेकिंग न्यूज है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, इस बारे में बिल्कुल पता चल जाएगा आप लोग 4 सितंबर को पैसा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। आखिर क्या हुआ है इतना जो कि ब्रेकिंग न्यूज पे ये चलने लगा है अभी तक? देखिए, सबसे पहले अभी कोई एक साहू नाम का है जो वो ये पूरा पेपर का निचोड़ बता दे रहे हैं आप लोगों को कुल मिला के। उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि क्या होने वाला है। साहू आदमी का कोई नाम है आदमी, वो इसको ऐसा मतलब कि पॉइंट लेके बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये जो ये इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया गया है, ठीक है, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो लाए हैं, वो क्या बंद होने वाला है? 4 सितंबर को जो मिलने वाला पैसा था, क्या अब वो नहीं मिलेगा पैसा? ऐसा क्या गंभीर मामला हो चुका है जो कि अब ये लग रहा है कि 4 सितंबर को आने वाला पैसा अब नहीं मिलेगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या कारण है इसके पीछे, आप लोग वीडियो को बिल्कुल डिटेल में देखिए। पढ़ने के बाद ये डिटेल में आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दूंगा, उसके बाद देखिएगा कि क्या ये सच में पैसा नहीं आने वाला है। ऐसा मामला ये बढ़ते जा रहा है, क्या क्या कारण है? सबसे पहले मैं लोग पेपर कटिंग एक दिखा देता हूँ। ये देखिए, कोई हाई कोर्ट पटना में, देखिए यहाँ पे लिखा है, हाई कोर्ट जनहित में याचिका दायर की गई है। प्रथमी सिमडेगा के याचिका का कहना है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष राशि नहीं दे सकती है, सरकार जनता के इनकम टैक्स चलती है। कहने का मतलब है कि ये जो सिमडेगा कोई आदमी, इसका कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट किसी को पैसा नहीं दे सकते हैं, ये आप लोग लुभाने का काम कर रहे हैं। अगला 2 मंथ में जो विधानसभा इलेक्शन है, इस वजह से आप डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकते हैं। इसको लेकर याचिका दायर किया गया है कि आप इसको रोक दिया जाए, हाईकोर्ट झारखंड रांची में। क्या लग रहा है कि अब नहीं आएगा? चलिए इसके साथ और कुछ प्रूफ के साथ और दिखाते हैं। आप लोग अगर कोई ये डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट और दिखाते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि 4 सितंबर को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे झारखंडी हितोषी की नियोजित नीति भाजपा के पीछे दरवाजे रद्द करवाया गया, वैसे मैया सम्मान योजना को रद्द करवाने नहीं देंगे, ये हेमंत सोरेन का कहना है। कि देखिए, ऐसा मामला बढ़ते जा रहा है कि इसको यहाँ तक कि पुतला तक लोग दहन करने लगा है, इस वजह से अब लग रहा है कि हाँ, कहीं हो सकता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये बंद नहीं किया जाए। ये देखिए, इसके तरफ पूरा पॉइंट लिखे हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले इसमें देखिए कुछ मोनमेंट पॉइंट है। पैल में क्या दायर किया गया है, PIL जो केस होता है उसमें क्या दायर किया गया, इसमें यही दायर कर दिया गया है कि आप डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकते हैं। और ये देखिए, उसमें याचिका में ये सब डिटेल में आप लोग दिया गया है कि क्या ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका क्या कारण हो सकता है, पूरे और इसमें डिटेल में बताएंगे। आप लोग उससे भी पहले ये जान लीजिए कि क्या ये पैसा सच में बंद हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं? मैं ऐसा बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी इसके साथ मैं कुछ अटैच PDF दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि पैसा क्या सच में नहीं मिलने वाला है। और आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जाके, ये जितना भी अभी भी देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को कि अभी थोड़ा देर पहले, जस्ट कुछ ही घंटा पहले, 6 घंटा पहले, ये अभी का देख लीजिए, जहाँ पे टाइम 1:15 रात को हो रहा है, और ये 6 घंटा पहले कल्पना सोरेन अपने ऑफिशियल ट्वीट किए हैं कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जैसे बहनों के खातों में राशि सम्मान पहुंच रही है, हर बहन अपने भाइयों के लिए विशेष आशीर्वाद के साथ धन्यवाद दिया। इस योजना न केवल बहनों का आर्थिक सहायता प्रदान की है, बल्कि भाई बहनों के बीच की बंधन को और भी गहरा किया है। इसका कहने का मतलब ये है कि इससे बहुत ही मोटिवेशन मिल रहा है, और ये अपने आने वाले जो भाई है हेमंत सोरेन, उसको और सपोर्ट कर रहे हैं।
क्या लग रहा है, ये अभी का न्यूज है, ये 6 घंटे पहले का। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पता चल रहा है कि ये सरकार अभी पैसा देते ही रहेगी जब तक सुप्रीम ये हाई कोर्ट बंद नहीं कर देगा इसके। ये अभी केस हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ है, वो केस चलेगा, उसमें अगर बंद हो जाएगा तो फिर वो पैसा नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर 4 सितंबर को पैसा लेने वाले थे या फिर फॉर्म भरे हैं तो आप लोगों का 4 सितंबर को पैसा मिल जाएगा। आप लोग नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।